मार्केट में इतने अलग अलग प्रकार के प्रोटीन है, एक हो गया वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, वे प्रोटीन में भी फिर कॉन्सेंट्रेट, फिर प्लांट प्रोटीन में भी सोया अलग, किनुआ प्रोटीन अलग, फिर राइस प्रोटीन अलग, कौन सा ले भैया? कोई बोलता प्लांट प्रोटीन बेस्ट है, कोई बोलता वे प्रोटीन बेस्ट है, इतना कंफ्यूजन। इस वीडियो में ना मैं कोई स्पॉन्सर्ड प्रोटीन बताने वाला हूँ, ना मैं कोई अपना वे प्रोटीन आपको या प्लांट प्रोटीन आपको बेचने वाला हूँ। इस वीडियो में बस आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि ये सब होते क्या है और आप कैसे चूज कर सकते हो सबसे बेस्ट प्रोटीन, आपको कौन सा लेना चाहिए जो आपको सूट करेगा। सिंपल है, इस लिस्ट में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जो है वे प्रोटीन, जो सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा फेमस भी है। काफी लोग इसको बॉडी बिल्डर वाला प्रोटीन से कंफ्यूज करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी बॉडी बिल्डर वाला प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन प्रोटीन होता है। मतलब चिकन वाला प्रोटीन भी प्रोटीन है, अंडे वाला भी प्रोटीन है, दाल में जो प्रोटीन है वो भी प्रोटीन है, पनीर में भी जो प्रोटीन है, वे प्रोटीन वाला भी प्रोटीन प्रोटीन है। अब वे प्रोटीन जो है वो बनता कैसे है? दूध से बनता है, तो ये बेसिकली इसका मेन रॉ इंग्रेडिएंट है दूध, जिससे इसको प्रोसेस किया जाता है, उसको प्रोटीन फिल्टर करते हैं दूध में से और वो बन जाता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। अब कॉन्सेंट्रेट जो है इसमें थोड़ी सी आपको लैक्टोज की मात्रा ज्यादा मिलती है, तो लैक्टोज ज्यादा मतलब आपको डाइजेशन में कुछ तकलीफ हो सकती है। अगर आपको ऑलरेडी मिल्क के डाइजेशन में प्रॉब्लम्स है तो आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में बिल्कुल इशू होगा। बट आप मान लो अगर आप दूध पीते हो रेगुलरली, आपको कुछ गैस, ब्लोटिंग, पिंपल की प्रॉब्लम दूध से नहीं होती है, तो आप चुपचाप अपना वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है वो सस्ता भी होता है। तो इसके तीन मेजर पॉइंट्स आपको याद रखने, एक है कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट मिल्क से बना है, दूसरा इसमें लैक्टोज ज्यादा होता है, तीसरा ये आपको सबसे ज्यादा चीप भी पड़ता है। तो लैक्टोज ज्यादा होना गलत बात नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज उसका फर्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन का। अब उसके आगे उसका जो सेकंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसके बाद बन जाता है वो एक एडवांस्ड सुपर सेयन वर्जन, जो ड्रैगन बॉल जो देखता है उसके सामने आएगा, मतलब समझो अलग ही लेवल, लेवल सबके निकलेंगे वैसा लेवल इसका निकल गया और ये बन गया वे प्रोटीन आइसोलेट। अभी जो आइसोलेट है ये इसका एडवांस्ड वर्जन है, जहाँ पे इसको ज्यादा फिल्टर कर दिया गया है। वे प्रोटीन आइसोलेट जो है वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसमें लैक्टोज कम हो जाता है, ठीक है, थोड़ा महंगा हो जाता है, और तीसरी चीज इसको डाइजेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब ये थोड़ा और ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है कंपेयर टू वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट से बेटर आइसोलेट है या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मिल्क के डाइजेशन में तकलीफ होती है तो आप आइसोलेट चूज करके देख लो, इसमें क्योंकि 99.9% लैक्टोज निकाल दिया जाता है इस प्रोसेस में, तो ये थोड़ा ज्यादा महंगा हो जाता है कॉन्सेंट्रेट के कंपेरिजन में, बट इसमें आपको डाइजेशन की तकलीफ कम हो जाती है। कुछ लोग हैं जो एक्सट्रीमली लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं और ऐसे लोगों में वे प्रोटीन आइसोलेट के कंजम्पशन के बाद भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक्ने का या डाइजेशन का या ब्लोटिंग का। यूजुअली कुछ कुछ ब्रांड्स अपने प्रोटीन के पैकेट के अंदर, जैसे वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हो या आइसोलेट, उसके साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड कर देती है, जिससे आपका मिल्क का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन थोड़ा बेटर हो जाता है और आपको फिर पार्ट्स कम हो जाते हैं। तो स्टिल आपका पर्सनल डाइजेशन पे भी बहुत मैटर करता है, बट ये टिप्स से कुछ ना कुछ हद तक समझ आ जाएगा। अब इसके आगे एक और होता है जिसको कहते हैं केसिन प्रोटीन, बट केसिन प्रोटीन इतना फेमस भी नहीं है और आपको जरूरत भी नहीं है, वो और ज्यादा स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है जो दूध से ही बनता है। बट स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन लेने का क्या फायदा है, उससे अच्छा तो आप चिकन या पनीर ही खा लो, वो केसिन, पनीर में केसिन प्रोटीन होता है ज्यादातर, तो आप पनीर ही खा लो, दैट्स बेटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है प्लांट बेस्ड सोर्सेज या वीगन सोर्सेज हो गए। तो अब प्लांट प्रोटीन में है जो सबसे पहले सबसे फेमस जो है वो है सोया प्रोटीन। अब सोया से मैन बूब्स होते हैं, सोया में एस्ट्रोजन बढ़ता है, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब मिथ है। मॉडरेशन में सोया कंजम्पशन से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, फॉर मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन, ओल्ड पीपल, एनी कैटेगरी यू कैन कंज्यूम सोया। एंड मॉडरेशन मतलब क्या है, अब ये मॉडरेशन भी मैं जब टर्म डालता हूँ लोग इसको गलत मीनिंग लेते हैं। मॉडरेशन मतलब कितने ग्राम सेफ होता है सर, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर एक सेन पर्सन हो ना, एकदम अगर आप दिमाग के पैदल नहीं हो ना, तब तक आपको कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। मॉडरेशन मतलब क्या होता है, दिमाग से अगर आप पैदल नहीं हो तब तक आप मॉडरेशन में ही हो। मतलब इनसेन क्या हो गया, जब मान लो दिन भर दाल ही पहले जा रहा है, उसको हम थोड़ी ना मॉडरेशन बोलेंगे, उसको हम इंसैनिटी बोलेंगे, राइट। तो देयर इज अ डिफरेंस। अब मॉडरेशन क्या है, जब आप एक इंसान की तरह चीजों को कंज्यूम करते हो, लेकिन अब नॉर्मल पर्सन कैन नॉट ओवरडोज ऑन नॉर्मल फूड। तो अब सोया इज कम्प्लीटली फाइन। अब सोया प्रोटीन में जो है गुड फॉर डाइजेशन, क्योंकि इसमें लैक्टोज बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे प्लांट सोर्सेज की जब हम बात करते हो तो इसमें लैक्टोज बिल्कुल नहीं है। तो आपको अगर मिल्क डाइजेशन से तकलीफ होती है, मतलब आपको आइसोलेट लेने के बाद भी अगर आपको तकलीफ होती है, तो आप कंप्लीटली शिफ्ट होना चाहिए आपको टूवर्ड्स अ प्लांट प्रोटीन। रेकमेंडेशंस मेरे वे प्रोटीन का मैं बताता रहता हूँ हमेशा फ्यूल वन, लेकिन इस वीडियो में मैं उनसे स्पॉन्सर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इस वीडियो में उनकी बात नहीं करने वाला हूँ, मैं प्लांट प्रोटीन भी बस मैं आपको एक जनरल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। अगर आपको वे प्रोटीन नहीं जमता, मैं फ्यूल वन लेता हूँ, आपको लेना है ले सकते हो, नहीं लेना मतलब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सोया प्रोटीन है जो कम्प्लीटली सोया से बनता है, प्रोटीन सही है, डाइजेशन में तकलीफ नहीं होती है, टेस्ट में मार खाते हैं प्लांट प्रोटीन। आप भले प्लांट प्रोटीन सोया ले लो, कोई भी ले लो, टेस्ट में मार खाएंगे प्रोटीन प्लांट वाले, क्योंकि उसमें दूध का जो क्रीमी टेक्सचर होता है वो नहीं होता। दोस्त आप मिल्क शेक पियोगे या फिर आटे का शेक पियोगे, प्लांट प्रोटीन में दूध ही नहीं है, कोई क्रीमीनेस नहीं है उतनी अच्छी, इसीलिए उसका टेस्ट में मार खाते ही है प्लांट प्रोटीन। चाहे कितना भी अच्छा प्लांट प्रोटीन, कितना भी महंगा प्लांट प्रोटीन ले लो, वे प्रोटीन को टेस्ट में टक्कर नहीं दे सकता, पीरियड।
अब जिसको मेरे से लड़ाई करनी है कर लो भाई, अपने अपने अपना घाटा, ठीक है, मेरा घाटा कुछ नहीं है, मुझे पता है जो मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ। बात तो सही है। एंड जो जो भी वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, अगर आप एक बार प्लांट प्रोटीन लेके देखो, उल्टी कर दोगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, इतना गंदा होता है कंपैरिजन में। बट अब ऑब्वियस बात है, प्लांट प्रोटीन अगर आपको वे प्रोटीन नहीं जमता तो प्लांट प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, क्या करोगे। प्रोटीन अगर आपको चाहिए, अगर आप डाइट से नहीं ले पा रहे हो, तो चुपचाप आपको प्लांट प्रोटीन लेना पड़ेगा। और इन केसेस में आप वी ग्रीन या कॉस्मिक्स का ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मुझे इनके फ्लेवर्स अच्छे रहते हैं, इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, बाकी छोड़ो आपकी मर्जी। सोया प्रोटीन है, इट इज सेफ टू टेक, 100% फाइन, ठीक है, अमीनो एसिड भी सब सही है उसमें, सब ठीक है। अब सेकंड और एक हो जाता है, पी प्रोटीन भी है, इट इज एब्सोल्युटली गुड टू टेक। इनफैक्ट काफी रिसर्चर्स है जो पी प्रोटीन को वे प्रोटीन से कंपेयर कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एथलीट्स, उनमें कुछ डिफरेंसेस नहीं देखे गए, तो वे प्रोटीन के साथ कम्पीट करता है पी प्रोटीन एट पार। इवन दो हम ऑन पेपर देखते हैं तो ल्यूसीन की क्वांटिटी पी प्रोटीन में कम होती है, ल्यूसीन बेसिकली एक अमीनो एसिड है जो बहुत अपने आप को वीआईपी माना बैठा है, ठीक है, सब बोलते हैं वो अंबानी है, कोई तिनका जितना भाव नहीं देता, मतलब हमें कौन सा फर्क पड़ता है अंबानी क्या करे दुनिया में। आप गए उनकी शादी में, नहीं गए ना, तो क्या फर्क पड़ता है अंबानी से कि क्या अंबानी कौन है क्या है। ये जो ल्यूसीन अमीनो एसिड है वो अंबानी बन बैठा है, तो जो ल्यूसीन है एक अमीनो एसिड है। ऑन पेपर देखा जाता है कि वे प्रोटीन में ल्यूसीन ज्यादा है और पी प्रोटीन में कम है, प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तब पी प्रोटीन और वे प्रोटीन दोनों भी इक्वल परफॉर्मेंस, इक्वल मसल गेन है, तो फिर क्या फायदा। तो आप पी प्रोटीन भी ले सकते हो, वे प्रोटीन भी ले सकते हो, कोई भी प्रोटीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सोया से बेटर आई वुड सजेस्ट पी प्रोटीन होगा, क्योंकि उसका डाइजेस्टिबिलिटी रेट बेटर है, उसका प्रोटीन अब्सॉर्प्शन रेट बेटर है पी प्रोटीन का, ठीक है। तो पी प्रोटीन मेरे ओपिनियन में इट्स बेटर, आपको सोया जमता है सोया ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो पी प्रोटीन भी है, इसमें भी लैक्टोस नहीं है, तो पी प्रोटीन आपको इतना महंगा भी नहीं मिलता, मतलब 1500 से 2500 रुपए पर केजी तक का आपको पड़ेगा। वे प्रोटीन्स जो है कॉन्सेंट्रेट आपको 1500 से 1800 2000 रुपए मैक्स पकड़ लो एक केजी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का। वे प्रोटीन आइसोलेट जो है वो थोड़ा महंगा होगा, आपको तकरीबन 2000 से 2500 3000 4000 के भी कोई एक किलो मिल सकता है, बट इतना महंगा जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं फ्यूल वन लेता तो फ्यूल वन का कॉस्ट अराउंड 2000 से 2500 के बीच में रहता है फॉर 1 kg और आइसोलेट, दैट इज गुड, ओके, मतलब वो रेंज ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा प्रोटीन आपके लिए सही होगा। सिंपल बात है, वे प्रोटीन का टेस्ट बेटर होगा कॉन्सेंट्रेट का, क्योंकि मिल्क और लैक्टोज ज्यादा है, लैक्टोज इज द शुगर ऑफ द मिल्क, तो उसमें ज्यादा टेस्टी हो जाता है। आइसोलेट का टेस्ट थोड़ा ओके होता है, मतलब फिर भी बहुत अच्छा है प्लेयर प्लांट प्रोटीन से कंपैरेटिवली, और प्लांट प्रोटीन का टेस्ट थोड़ा खराब है कंपैरेटिवली, बट अब दैट्स द ट्रेड ऑफ दैट यू हैव टू डू, क्योंकि लैक्टोज नहीं है तो डाइजेशन आपकी बेटर हो जाएगी प्लांट प्रोटीन्स में, बट यहाँ पे लैक्टोज है तो थोड़ा आपको इशू हो सकता है या ब्लोटिंग और गैस का इशू हो सकता है। बट अगर आपकी डाइट में आप वेजिटेबल्स अच्छे से खाते हो, फ्रूट्स अच्छे से खाते हो, पानी ठीक से पीते हो, हेल्दी जी रहे हो, अगर आपका ओवरऑल डाइजेशन ठीक है, तो आपको वे प्रोटीन से भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अनलेस यू हैव दैट स्पेसिफिक लैक्टोज इंटॉलरेंस या डाइजेशन इश्यूज विद मिल्क। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा है। इस वीडियो को मैं जितना हो सके, जितने हद तक मैंने इसको एकदम अनफिल्टर्ड और रॉ रखने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि आपको सही एक गाइडेंस मिले कि आप कौन सा प्रोटीन खरीद सको। आपको अगर कोई भी प्रोटीन ठीक लगे आप खरीदो, बस आपको इस वीडियो में एक नॉलेज मैं देना चाहता था कि आपको कौन सा टाइप का प्रोटीन आपको सूट करता है और किस प्रोटीन पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, प्रोटीन नहीं खरीदना मत खरीदो, एकदम बेस्ट है भाई। चुपचाप डाइट से अपना प्रोटीन फिक्स कर लो कि अगर आप डाइट से खा सकते हो तो सबसे बेस्ट है, कन्वीनियंट हो जाता है, इसलिए प्रोटीन रेकमेंड करता हूं। बाकी डाइट से आराम से आप प्रोटीन निकाल सकते हो, चिकन, अंडे, पनीर, दाल, राजमा, कर्ड, मिल्क, सब इतनी सारे सोर्सेज है प्रोटीन हो जाता है, बट एक कन्वीनियंस वाली बात है बस प्रोटीन ऐड करने से। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन दबा दो यार, मेरा दिन बन जाएगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लाइक कर दोगे इस वीडियो को। मेरे चैनल को मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा ग्रो हो जाए ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ ये वीडियो मैं चैनल पे मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर पाऊँ मेरे कॉन्टेंट के साथ, और अगर आप शेयर कर दोगे तो उससे शायद मेरा और कॉन्टेंट ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं और ऐसे वीडियोज बनाता रहूंगा इन द फ्यूचर, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मुझे नीचे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर मेरे प्रोग्राम ज्वाइन करने हैं फॉर वेट लॉस, वेट गेन, सस्टेनेबल डाइटिंग, आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट ऑप्शन भी मिल जाएगा, सो यू कैन गो अहेड ऑन द वेबसाइट एंड चेक इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो कमिंग वेरी सून। अंटिल देयर, बाय।